ऋषि की जान पर आएगा बड़ा खतरा और बलविंदर ने रख दिया ऋषि के गले पर चाकू और हो गए ओबरॉय हाउस में नए पंडित जी की वापसी और ले आए ऋषि के जान पर खतरा और मलेश का की असली सच्चाई जी। हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब बलविंदर अपने दोस्तों के साथ ओबरॉय हाउस से भाग रहा होगा तभी ऋषि अपने कमरे में पुलिस के हॉर्न का सायरन जोर जोर से बजाने लगेगा जिस वजह से डरते हुए बलविंदर घर के अंदर आ जाएगा और नीलम वीरेंद्र और पूरा ओबरॉय परिवार पुलिस का हॉर्न सुनकर नीचे आ जाएंगे जहाँ पर जब ऋषि बलविंदर को देखकर कहेगा कि आप लोग देख रहे हो ना कि ये बलविंदर यहाँ से भाग रहा था लेकिन ये भाग नहीं सका और भागकर घर के अंदर आ गया क्योंकि इसने पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनी और इसे डर लगा कि कहीं पुलिस इसे पकड़ के ना ले जाए इसलिए ये चुपचाप डरते हुए घर आ गया। यह सुनकर बलविंदर को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और ऋषि जब बलविंदर के नजदीक जाकर बलविंदर का कॉलर पकड़ के कहेगा कि चल अब सच बता तभी यह सुनकर बलविंदर ऋषि को जोर से धक्का मार देगा लेकिन ऋषि उसी वक्त वहाँ से हट जाएगा और बलविंदर सीधे घर के सोफे पर जाकर टकराएगा और गुस्से में प्लेट तोड़ देगा और वहाँ पर टेबल में रखा हुआ चाकू अपने हाथ में ले लेगा और ऋषि को कहेगा कि अब बता तू क्या बोल रहा था। तभी यह सुनकर ऋषि बलविंदर के करीब जाएगा तभी बलविंदर चाकू दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर कहेगा कि कोई भी मेरे नजदीक नहीं आएगा, सब लोग दूर रहना। तभी जब ऋषि बलविंदर को काबू करने के लिए बलविंदर के नजदीक जाएगा उसी वक्त बलविंदर ऋषि का गला पकड़ लेगा और चाकू ऋषि के गले में रख देगा जिसे देखकर लक्ष्मी नीलम और वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसी वक्त आधी रात को पंडित जी की वापसी होगी जो जोर से चिल्लाकर कहेंगे ठहरो कोई भी कुछ नहीं करेगा मैं बताता हूँ असली सच। तभी यह सुनकर नीलम पलटकर पंडित जी को देखेगी तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा लेकिन जब बलविंदर कहेगा ये ढोंगी पंडित तू कौन है जो भी बोलना है जल्दी बोल तभी यह सुनकर पंडित डायरेक्ट नीलम को कहेगा कि आपको सच जाना है ना कि ये सबके पीछे और आपके घर की बर्बादी के पीछे कौन है तो वो है मलिश्का। मलिश्का ने आपका पूरा घर शुरू से लेकर अब तक बदनाम किया है और उसी ने लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालने के लिए हमारे सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौम के पंडित जी से फेक कुंडली बनवाई जिसे उस लक्ष्मी के फेक कुंडली के जरिए मलिश्का लक्ष्मी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दे। लेकिन असली सच बात तो ये है कि लक्ष्मी की कुंडली साक्षात ऋषि की जिंदगी के लिए अमृत है। जब तक ऋषि लक्ष्मी को पीता रहेगा या लक्ष्मी ऋषि के नजदीक रहेगी तब तक ऋषि की जान बची रहेगी लेकिन जब मलिश्का ऋषि के करीब आएगी तब ऋषि की जान पर जानलेवा खतरा आएगा जिससे आप लोग तो क्या कोई नहीं बचा सकेंगे। यह सुनकर नीलम वीरेंद्र बलविंदर के होश उड़ जाएंगे और बलविंदर गुस्से से ऋषि को कहेगा सुन ली ना बात मैं सच ही कह रहा था ये सबके पीछे और कोई नहीं बल्कि मलिश्का का हाथ है। यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और ऋषि के दिल पर काफी बड़ा शॉक लगेगा लेकिन नीलम को हर एक अपनी पुरानी यादें याद आएगी जहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी में नहीं हुआ करती थी और मलिश्का की वजह से ऋषि पर कई बार खतरे आते थे और अभी भी ऋषि पर खतरे आ रहे हैं। ये सब नीलम अपनी पुरानी बातों को याद करेगी और नीलम को अपने किए का एहसास होगा लेकिन मलिश्का की असली सच्चाई सबके सामने आने के बावजूद कोई भी मलिश्का को कुछ नहीं बोल रहा तो आपको कैसा लग रहा है? और अब मलिश्का के ऊपर से लेकर नीचे तक सारी सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं? और आप ऋषि लक्ष्मी को हमेशा एक देखना चाहते हैं क्या नहीं? और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अप्लाई कर सब्सक्राइब करें।